हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप सभी? वेलकम टू द क्लास। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक बेटे हम ओवर कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इस चैप्टर के अंदर बेटे ये रिएक्शंस आनी है, तो पहले हम आज इन रिएक्शंस का जनरल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है ना? फिर आपके चैप्टर की रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी कल वाले लेक्चर से। ओके बच्चों, चलिए बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आप क्या मतलब समझते हैं? पहली बात तो इसमें दो वर्ड है बेटे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है बेटे यहां पर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों? जिसके ऊपर चार्ज मेनली हम बोल देते हैं नेगेटिव हो, ठीक है ना? तो विच विल हैव विच चार्ज जनरली नेगेटिव चार्ज। अब एक तो होता है बेटे क्या, लिविंग ग्रुप, और एक क्या है बेटे आपका, अटैकिंग ग्रुप, ठीक है? जैसे मैंने ये लिखा बेटा ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है और ये सी के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। हम क्या चाहते हैं यहां, ये इस तरह है बेटे, ए पर चार्ज पार्शियली पॉजिटिव, बी पर चार्ज पार्शियली नेगेटिव। जब ये पी नेगेटिव बाहर चला जाए और सी नेगेटिव बेटे इसकी जगह अंदर आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे, ए सी और प्लस बी नेगेटिव। क्लियर हुआ बेटे? तो ये जो छोड़कर गया है रिएक्शन में, तो ये अब क्या कहलाएगा, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। और अटैकिंग ग्रुप कौन है बेटे, अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर जो अटैकिंग ग्रुप है और लिविंग ग्रुप है, दोनों की नेचर कैसी है बेटे, कि बोथ आर न्यूक्लियोफाइल इन नेचर। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लियर हुआ होगा आपको कि न्यूक्लियोफाइल की जगह एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नाम दे रहे हैं। क्लियर हुआ बेटे? अब ये एक जनरल इक्वेशन मैंने लिखी है आपको, जैसे मैंने लिखा बेटे आर एक्स प्लस वाई नेगेटिव, आर वाई प्लस एक्स नेगेटिव, ठीक है ना बेटे? ये जो रिएक्शन है ये आपकी दो तरीके से हो सकती है। एक तो मैंने क्या करूं बेटे, पहला तरीका है बेटे कि हम पहले इस आर एक्स का बॉन्ड तोड़े। आर क्या है बेटे यहां पर, कार्बन। एक्स आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है नेगेटिव, ठीक है? तो पहले क्या बने, आर प्लस एक्स नेगेटिव, इस तरह बेटा, ठीक है? ये इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हो बेटे, इस आर पॉजिटिव पर जो आपका वाई नेगेटिव है ये अटैक कर दे और आपका क्या बन जाए, प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? तो एक मेथड तो ये हुआ बेटे जो दो स्टेप में हुआ। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि ये जो आर एक्स है, वाई नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करे और आपका एक्स नेगेटिव बाहर चला जाए, यहां पर बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना एक ही स्टेप में हुआ है बेटा। यहां पर क्या हुआ है, पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में बॉन्ड बना है। तो हमारे पास इस रिएक्शन को करने के ये दो तरीके हैं बेटा, तो आज हमने इन्हीं को समझना है। दैट इज योर SN1 और SN2 रिएक्शंस। बोर्ड के हिसाब से बेटे आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस मिलेंगे भी आपको एक्सरसाइज में और बेटा और एनसीईआरटी में, वो आज आप क्वेश्चन करें, कोई भी डाउट हो मेरे पास भेज देना, ठीक है? चले तो आगे बढ़ते हैं बेटे। तो दो टाइप के मैकेनिज्म हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट है बेटे आपका SN1 रिएक्शन। SN1 क्या है बेटे, वन का मीनिंग यहां पर क्या है बच्चों, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसकी बेटा फुल फॉर्म हो गई। चलिए होगी कैसे ये रिएक्शन वो देखते हैं बेटे हम। देखो पहले यहां एक और नया वर्ड आ गया, यूनिमॉलिक्यूलर। ये तो हमने पहले ऊपर लिखा ही हुआ बेटे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक नया वर्ड क्या आ गया हमारे पास, यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर क्या मतलब होता है बेटे, जब किसी रिएक्शन के अंदर जो रेट जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड हो जाए बेटे, ठीक है बड़े आके देखते हैं कैसे। तो मैं वही रिएक्शन ले रहा हूं बेटे, आर एक्स प्लस वाई नेगेटिव, आर वाई एंड प्लस एक्स नेगेटिव, इसे रिएक्शन को समझेंगे कि रिएक्शन अब कैसे होगी। पहली बात बेटा, जो ये रिएक्शन होनी है बच्चों, ये आपकी दो स्टेप में होगी, ठीक है। कैसे? पहला स्टेप जैसे कि हमने अभी बताया था बेटे कि ये जो आर एक्स है इसके ऊपर चार्ज पार्शली पॉजिटिव है और ये पार्शली नेगेटिव है, क्लियर हुआ बेटा? ओके, तो नाउ व्हाट विल हैपन, यहां से बेटे बॉन्ड ब्रेकअप होगा, आर पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव और एक्स पर चार्ज क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव, क्लियर हुआ? फिर ये ध्यान देना कि ये जो स्टेप है बेटे आपका एंडोथर्मिक है नेचर में, दिस स्टेप इज योर एंडोथर्मिक इन नेचर। अब क्वेश्चन अराइज ये हुआ बेटे कि इसको एनर्जी कहां से मिली, आपको ये समझना है कि इसको एनर्जी कहां से मिली है। एंडोथर्मिक स्टेप का मतलब तो ये हुआ ना बेटे हमने इसको एनर्जी दी है, तो जनरली बेटे ये जो SN1 रिएक्शन होती हैं ये आपकी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होती है। इनको कैसा सॉल्वेंट चाहिए होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहां से हमें एनर्जी मिलती है, ये सॉल्वेंट बेटे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तब जाकर ये बॉन्ड ब्रेकअप होता है। अब बेटे R पर चार्ज पॉजिटिव मतलब कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, तो ये स्पीशीज क्या कहलाती है बेटे आपकी? कार्बो कैटायन। अब ये किसका काम करेगा बताइए? एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब ये स्टेप क्या है बेटे? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप हम क्यों बोल रहे हैं बताओ? क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है बेटे, ये एल्काइल हैलाइड या कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कंपाउंड तो क्या है बेटे आपका? स्टेबल है, इजिली बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, इसलिए बेटे यहां पर ये स्टेप क्या है? स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है बेटे उसको हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं, क्लियर है? ओके बच्चों, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा? ये जो R पॉजिटिव था, जो ये कार्बोकैटायन था, इस पर आपका अटैकिंग ग्रुप जो है ये अटैक कर देगा बच्चों, और ये बेटे आपका प्रोडक्ट बन गया आर वाई। नाउ दिस स्टेप इज फास्ट स्टेप। क्यों बेटे फास्ट स्टेप? इसको भी बॉन्ड बनाने की जरूरत है, इस वाई नेगेटिव को भी बॉन्ड बनाने की जरूरत है, दोनों के दोनों बेटे बहुत ही क्या है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है, दोनों को जरूरत है बॉन्ड बनाने की, तुरंत एकदम जुड़ जाएंगे आपस में, तो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। और ये स्टेप क्या होता है बेटे आपका? एग्जोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज होती है। यहां पर एक बात ध्यान रखना बेटे, ओवरऑल रिएक्शन तो आपकी एग्जो ही है, क्लियर हुआ है? ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी लास्ट में जब रिएक्शन कंप्लीट होती है बेटे? दैट इज योर एग्जोथर्मिक इन नेचर। ओके डियर, चलिए अब ये जो मैंने क्या बताया, बोथ आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज बेटे, मैं इसलिए लिख रहा हूं सारी चीजें ताकि आप अच्छी तरह नोट्स बना लें नोटबुक में, ठीक है ना? ओके चलिए, नाउ जो भी रिएक्शन बेटे, अब ये बात आपको अच्छी तरह समझनी है, यदि कोई रिएक्शन आपकी एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, जैसे यहां पर है बेटे ये रिएक्शन आपकी दो स्टेप में हो रही है, तो स्लो स्टेप में आपको देखना है कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे स्लो स्टेप में कौन रिएक्ट कर रहा है बेटे आपका? यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, कोई मान लीजिए ये एल्काइल हैलाइड है, तो रेट सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पर। ओके चलिए एक बार इसका बेटा स्क्रीनशॉट लो शाबाश फटाफट। बढ़िया आगे बेटे,
तो रेट अब किसके ऊपर डिपेंड करेगी बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ओनली। सो ये लिख देते हैं बेटे कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ध्यान रखना बेटे जो रेट है डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स स्ट्रेंथ। ये मेन पॉइंट है बच्चों यहां पर, कि यहां पर जो रेट जो है वो आपकी न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर, न्यूक्लियोफाइल आपका वीक है या न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रोंग है उस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, तो ऐसी रिएक्शन जहां पर रेट वन मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा हो बेटे, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है बेटे। डिटेल में हम पढ़ेंगे इसमें आपका 12th में जो फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वहां मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। फिलहाल हम इतना कर लेते हैं। बताइए यहां तक तो कोई डाउट है आपको? बढ़े आगे, ठीक है बेटा। अब इस बात पर क्या ध्यान देना है, अब आपको मेन पॉइंट यहां पर ध्यान देंगे, इसी पर आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। चले देखिए बेटा, डायग्राम बना सकते हैं बेटे हम इसका है? देखो इस तरह आपका बेटे ये डायग्राम हम बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, ये है बेटे एक्टिवेशन एनर्जी। भाई इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है इसको, ठीक है, यहां इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है बेटे। ये कौन है बेटा? रिएक्टेंट। ये कौन है? कार्बोकेटायन, जो काम कर रहा है किसका? एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट का। क्लियर है? ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और ये है बेटे सेकंड ट्रांजिशन स्टेट और ये है बच्चों आपका प्रोडक्ट। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं बेटा डिटेल में 11 से, एक बार चलिए मैं बता भी देता हूं बेटे। ये आर एक्स रिएक्टेंट था बेटा, दिस इज योर आर एक्स रिएक्टेंट, ठीक है, और y नेगेटिव। अब rx क्या तोड़ा किया कि हमने बॉन्ड तोड़ा था ना, तो ऐसे दिखाओ डैश में और फिर अलग अलग कर दो r पॉजिटिव एंड x नेगेटिव, ठीक है। फिर r पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा? y नेगेटिव। इसको भी ऐसे ही दिखाओ कि बॉन्ड बन रहा है धीरे धीरे और फिर बॉन्ड बना लिया। तो ये क्या कहलाती है बेटे, जहां हमने डैश में दिखा है ना बेटा बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो ये है बेटे आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और ये है बेटा आपकी सेकंड, जो ऊपर लिखा हमने बेटे फर्स्ट ट्रांजिशन और सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, जो पीक जो है आपका। तो ई वन या ई ए लिख देता हूं बेटा, ई ए वन और ये है बेटा ई ए टू। ध्यान दीजिए ई ए वन जो है वो ग्रेटर देन है बेटा ई ए टू से, मतलब पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे स्टेप से ज्यादा है, यानी पहले स्टेप में एनर्जी ज्यादा लग रही है। जहां एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है बेटे वो स्टेप आपका धीमा होगा और जहां कम लगेगी वो स्टेप फास्ट होगा। तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान दे लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। देखो बेटा सीधे से बात है, ये हमारा कोई ग्राउंड है और ये आपकी इतनी दीवार है बेटे, आपको ये दीवार जंप करनी है, ठीक है। एक बेटा ये ग्राउंड है और दीवार कर दी हमने ऊंची, हाइट ज्यादा है, तो इजी कौन सा है बेटे क्रॉस करना? ये इजी है बेटे, न कि ये। तो ये एक एनर्जी बैरियर है सिंपली। यदि हम एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा, ये एक एनर्जी बैरियर है किस किस के बीच में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, कि रिएक्टेंट को इस दीवार से कूदकर जाना होगा तभी वो प्रोडक्ट में चेंज हो पाएगा। तो बेटा तो सीधी से आप ये समझ लीजिए, आप रिएक्टेंट हो, कूदकर यहां आना है आपको, तो आप मान लो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और ये है बेटे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये दीवार जितनी ऊंची होगी उतना ही हमें मुश्किल होगा जंप करना। तो ये दीवार का मतलब क्या है? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हुआ बेटे? तो ये ध्यान देना,
कि किसी भी रिएक्शन का रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के, क्योंकि हमने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा स्लो और सेकंड स्टेप क्या है बेटे फास्ट। हालांकि बेटे बोर्ड में शायद ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैंने थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं है बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, शाबाश। चलते आगे बेटे, अब जो क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड में वो किस बेस पर आएंगे वो देखते हैं, ठीक है बेटा। यहां पर मेन जो बात थी वो क्या थी कि कार्बोकेटाइन आपका बन रहा था एज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इस चीज को ध्यान रखना है। यहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन है बेटा, कार्बोकेटाइन, इसको पकड़े रखो, इसी पर आपके क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। अब थोड़ा सा बता देता हूं, कार्बोकेटाइन क्या था याद करो, ये वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जहां पर कार्बन पर चार्ज क्या है बेटे पॉजिटिव। कार्बो मतलब कार्बो किसके लिए, कार्बन के लिए, कैटायन जिस पर चार्ज क्या हो पॉजिटिव। तो ऐसा रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिसके ऊपर चार्ज क्या आ जाए बेटे पॉजिटिव आए, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन टाइप का हमने पढ़ा था एक बार, ये है बेटे प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये है बच्चों सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये लिखा हमने टर्शियरी कार्बोकैटायन। याद आ रहा है बेटे सारा, इलेवेंथ में डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। सो दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब एक बार इसकी बेटे स्टेबिलिटी आप देखें, क्लियर है ना, स्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी आपको यहां पर इसकी, और स्टेबिलिटी की भी जरूरत पड़ेगी। यूं बताइए, यदि मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, यहां मैं एक कार्बन और लिख देता हूं, चलिए CH3 लिख दिया बेटे मैंने, ये भी फिर भी प्राइमरी कार्बोकैटायन ही है आपका। बेटे स्टेबिलिटी मैंने बताया था आपको कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज डिस्पर्सन के। डिस्पर्सन का मतलब होता है बेटे फैलना, चार्ज फैलना। सेम चार्ज जो है जब वो सारे मॉलिक्यूल पर फैल जाता है उसको क्या बोलते हो, चार्ज डिस्पर्सन बोलते हो बेटा, क्लियर है ना। जैसे यहां पर चार्ज पॉजिटिव है, अब यदि यहां पर भी पॉजिटिव आ जाए, इधर हर कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आ जाए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, चार्ज डिस्पर्सन। अब कौन है बेटा ये, CH3। CH3 कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है बेटे, प्लस आई। इलेवेंथ में कर चुके हो डिटेल में, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। प्लस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से बेटे पुश करेगा इसकी तरफ, यदि इलेक्ट्रॉन थोड़े से इसकी तरफ सरक गए बेटा, डिस्प्लेस हो गए, तो इस कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव। ये ध्यान रखो, यहां पर भी ऐसे ही पार्शली पॉजिटिव, यहां पर भी पार्शली पॉजिटिव। यहां तीन है बेटे कार्बन CH3 ग्रुप, तो मैक्सिमम चार्ज कहां फैला, सेम चार्ज कहां आया, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे ही बेटे यहां भी पॉजिटिव, ऐसे ही यहां पर। तो हम क्या कहेंगे बेटे कि चार्ज डिस्पर्सन क्या हो रहा है, इंक्रीज। सो शाबाश, आगे बोलो, स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है बेटे, टर्शियरी कार्बोकैटायन, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, एंड देन बेटे प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये आपका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन का, क्लियर है बेटा। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, अब एक बार इसका स्ट्रक्चर भी कर लो बेटे। कार्बन के अंदर हाइब्रिडेशन जो है वो तीन टाइप की मैंने आपको बता रखी है, कौन सी बेटे, एक sp, sp2, sp3। sp जब दो सिग्मा बॉन्ड हो, sp2 तीन सिग्मा बॉन्ड हो, और sp3 चार सिग्मा बॉन्ड हो, ये आपने पढ़ा हुआ है बेटे। अब यदि आप इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं इस तरह बेटा, ये है बेटे एम्प्टी ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज है फुल्ली, क्या मीनिंग हुआ बेटे, खाली है ऑर्बिटल। तो बेटा कितने ही सिग्मा बॉन्ड, 1, 2, 3, तो इसमें हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp2 होगी।
अब यहां पर जो शेप है वो कैसी है बेटे? ट्रायंगुलर प्लेनर शेप। इस चीज का ध्यान रखें, शेप का क्या नाम आएगा? ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है बेटा। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे। चलो, तो स्ट्रक्चर की बात कर ली हमने एंड स्टेबिलिटी की बात कर ली, क्लासिफिकेशन की बात कर ली, अब बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की। बेटे आपसे पूछा गया, जैसे क्वेश्चन दे दिया, लेट बेटे ये दे दिया क्वेश्चन, ये CH3 है बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तीनों अलग अलग हैं, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। तीनों को आपको एक्स नेगेटिव रिप्लेस करना है वाई नेगेटिव से, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा बेटे? क्या ध्यान देना है, यहां से कार्बोकैटायन बना ये प्राइमरी, और यहां से बना बेटे सेकेंडरी, और यहां से बना टर्शरी। क्लियर? कैसे? यहां से बॉन्ड तोड़ दिया मैंने स्लो स्टेप से, ठीक है। क्या बता रखा है बेटे आपको? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर हुआ? अब कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा है? सबसे ज्यादा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ RX क्या आएगा? टर्शरी एल्काइल हैलाइड, देन बेटे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, देन बेटा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। आई थिंक आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे शायद बेटे। देखो ये कार्बन प्राइमरी, ये कार्बन सेकेंडरी, दो कार्बन जुड़ा हुआ, ये कार्बन टर्शरी, तीन कार्बन से जुड़ा है। टर्शरी कार्बन पर हैलोजन ग्रुप लगा दिया, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी पर लगाया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी पर लगा दिया, तो प्राइमरी एल्काइल। ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके NCERT में क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सॉल्व करना आप, ठीक है? ओके, तो जितने भी आपके बेटे प्रदीप की बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बोर्ड में आए हुए हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं या NCERT में, वो सारे आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है बेटे। ये आपको ऑर्डर याद रखना है, क्लियर है? बिल्कुल आसान है, बढ़े आगे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की प्रोडक्ट के साथ कैसी हुई, जैसे मैंने कल बेटे आपको बताया था ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या बेटे आपकी रेसिमाइजेशन होगी, ठीक है। तो यहां हम क्या कहते हैं कि इधर रेसिमाइजेशन होती है बेटे, क्लियर है ना, और कंप्लीट नहीं होती बेटे, रेसिमाइजेशन पार्शियल होती है बेटे। कैसे बच्चों? बेटे यहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन बन रहा है बोलो? कार्बोकैटायन। उसकी शेप क्या है? ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बेटे ये आपका कोई भी रिएक्टेंट था, ठीक है, यहां ABC ये X मान लिया, इस X को आप हटाना चाहते हैं, ओके बेटा। अब एक बात ध्यान रखें, यहां जब ये C और X का बॉन्ड टूटेगा फिर उससे क्या बन जाएगा बेटे? कार्बोकैटायन बनेगा ऑब्वियसली, ओके डियर। अब कार्बोकैटायन बनेगा तो मैंने कर दिया बेटे इस तरह, ठीक है, ये कार्बोकैटायन है बेटे आपका, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, जो ये वाई नेगेटिव है वो फ्रंट सी बे अटैक कर सकता है या बेटे बैक सी बे अटैक कर सकता है? जिस साइड एक्स जुड़ा है उसी साइड से भी अटैक कर सकता है या बेटे देखो
बैक से अटैक कर सकता है। यहां दोनों पॉसिबिलिटी है। मतलब क्या हुआ बेटे यहां पर कि रिटेंशन भी होगी एंड साथ के साथ इन्वर्जन भी होगी। कहने का मतलब दोनों होंगी, और जहां दोनों कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन बोलते हैं। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन क्या है, मैंने लिखा है यहां पार्शियल, कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होती बेटा, यह ध्यान रखना। क्यों नहीं होती बेटा? ये बॉन्ड है ना बेटा, देखो मैंने बताया था ना इजिली नहीं टूट रहा है, तो थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी किस तरफ मिलती है? वाई नेगेटिव बैक साइड से अटैक करता, बिकॉज यहां पर क्या है आपका एक्स नेगेटिव, वो थोड़ा रिपेल कर देता है उसको। यानी कहने का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये बॉन्ड जब धीरे धीरे टूट रहा था, थोड़ा बहुत वाई नेगेटिव बैक से अटैक कर देता है बेटे। क्लियर हुआ? फिर जब कंप्लीटली टूट जाएगा फिर इक्वल पॉसिबिलिटी है। देखो कार्बोकटेन बनने के बाद इक्वल पॉसिबिलिटी है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए हुए थे, यहां से इस बॉन्ड ने टूटना शुरू किया, ठीक है बेटा, और अभी बॉन्ड कंप्लीटली नहीं टूटा है पर वाई नेगेटिव ने पीछे से अटैक भी कर दिया। पॉसिबिलिटी ये होगी बेटा 10 प्रोडक्ट किसके बने? यदि बैक से अटैक करवा रहे हो तो क्या बोलोगे? इन्वर्जन। अब ये टूट गया, अब 90 मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गए? कार्बोकैटायन में। पर जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा वहां तो इक्वल चांस है, बैक से भी उतना है फ्रंट से भी उतना है, तो 90% का तो क्या होगा बोलो? रेसिमाइजेशन। और 10% का क्या हुआ? इन्वर्जन। तो हम क्या लिखते हैं? पार्शियल रेसिमाइजेशन लिखते हैं बेटा, कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं लिखोगे, इस बात का ध्यान रखना। बढ़े आगे बेटे, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा बेटे, ठीक है ना। मान लो बोर्ड में आता भी है तो आप लिख सकते हैं क्या? पार्शियल रेसिमाइजेशन, कंप्लीट नहीं है बेटा। रीजन मैंने आपको बता दिया कि इजिली बॉन्ड नहीं टूट रहा है ये यहां से, तो उतनी देर ये वाई नेगेटिव थोड़ी सी वेट नहीं करता, बैक साइड से अटैक कर देता है बेटे, तो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट आपका इन्वर्जन भी मिलता है, पर ज्यादातर कौन मिल रहा है बेटे आपको? रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सर मिलेगा। दैट्स ऑल अबाउट बेटे योर SN1, जितना आपका बोर्ड के लिए NF है, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट सेकेंड पर आते हैं बेटा हम, SN2 पर। SN2, अब SN2 क्या है बेटे? दिस इज योर बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो यहां पर बायमोलिकुलर है, यानी रेट दो पर डिपेंड करेगा। यहां पर दो कौन है बेटे? कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर डिपेंड करेगा। हेंस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है बेटे? ऑर्डर की बात हम करेंगे डिटेल में, टेंशन मत लेना इसकी। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है बेटे। कैसे होगा बेटे? यहां पर बिल्कुल आसान है, ये बेटे आपकी एक ही स्टेप में होती है। ये वाई नेगेटिव कहां से अटैक करता है? बैक साइड से। ये सबसे मेन पॉइंट है यहां पर बेटा, ये वाई नेगेटिव फ्रंट से अटैक नहीं करेगा। क्यों? यहां पर चार्ज नेगेटिव, यहां पर भी चार्ज नेगेटिव, क्या होगी यहां पर? रिपल्शन। तो बेटे वाई नेगेटिव ऑलवेज अटैक फ्रॉम बैक साइड, मेन पॉइंट यहां पर है। अटैक कहां से होगा? फ्रॉम बैक साइड, बैक साइड से अटैक होगा बेटे, दैट मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। यानी जिस साइड आपका एक्स जुड़ा था, ये जिस साइड जुड़ा है, वाई उसके अपोजिट में आके लगेगा बेटे, तो क्या कहोगे? इसके साथ क्या हुआ है बोलो? शाबाश, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये है आपका मेन पॉइंट। ओके बेटे, आप अब इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट शो कर सकते हैं। कैसे शो करोगे बेटे? आर, ये बॉन्ड टूटना शुरू हुआ और ये बॉन्ड आपका वाई ने बनाना शुरू किया। क्लियर बेटे? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर ये क्या है बेटे? इसकी ट्रांजिशन स्टेट है।
इस ट्रांजिशन स्टेट में पांच बॉन्ड हैं बेटे। देखो कैसे हैं पांच बॉन्ड, ऐसे लिख सकता हूं बेटे मैं, भई ये कार्बन है, एक्स था, वाई ने बॉन्ड बनाना शुरू किया, ठीक है, तीन फुल बॉन्ड है बेटा और दो क्या है पार्शियल बॉन्ड, ये टूटना शुरू हुआ है और ये बनना शुरू हुआ है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या है आपके पांच बॉन्ड हैं, इस चीज को ध्यान रखना बेटे, दो फॉल्स बॉन्ड हैं और तीन आपके ट्रू बॉन्ड हैं, इसलिए बेटे ये हाईली क्या होती है एनर्जेटिक, मतलब देयरफॉर हाईली अनस्टेबल, तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगी आपके प्रोडक्ट में। क्लियर हुआ बेटे? अब इसके जो क्वेश्चन है स्टीरियोकेमिस्ट्री की हमारी बात होगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होनी है। अब क्या ध्यान रखना मेन पॉइंट ये है बेटे, यहां क्वेश्चन सोल्व करेगा ये पॉइंट आपका अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो इस कार्बन पर ग्रुप बिल्कुल स्मॉल ग्रुप होंगे तो ही ये वाई नेगेटिव अटैक कर पाएगा। देखिए कैसे, मैं बताता हूं बेटे आपको, चलिए और एक स्टेप में होगी तो आप इसका वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना सकते हैं बेटा, बिल्कुल आसान है। बस ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपके प्रोडक्ट है और ये आपकी क्या है ट्रांजिशन स्टेट है। क्लियर हो बेटे? सिंपल है बेटा, एक ही ग्राफ आएगा इसमें। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए बेटा, अब आपसे पूछ लिया CH3X, तीनों में आपसे ये पूछ लिया बेटे कि किस में रिएक्टिविटी फास्ट होगी टुवर्ड्स SN2। यहां देखो तीनों छोटे ग्रुप हैं, वाई नेगेटिव को तो बैक से अटैक करना है और यहां भी बैक से अटैक करना है, बस ये ध्यान रखना है बैक से आना है बेटे उसको, यहां इस तरह। सबसे स्मॉल ग्रुप कहां है, इसके पास तीनों एच हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता जा रहा है बेटे इंक्रीज। सो क्या होगा, वाई नेगेटिव जो अटैक ऑफ वाई नेगेटिव है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस की, यानी स्टीरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा बेटा वाई नेगेटिव उतना बेटर तरीके से अटैक कर पाएगा। तो बेटा प्राइमरी में सबसे कम है, सेकेंडरी में उससे कम, टर्शरी में प्राइमरी में क्या बेटे उल्टा लिख दिया बेटा, ये दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। क्लियर बच्चों? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आ जाएगा, तो ये क्या बेटे आपका स्टीरिक हिंड्रेंस ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा इसका अपोजिट, दैट इज प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी। तो बेटा इसके बेस पर आपके क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कि दोनों ही प्राइमरी हो। कैसे, देखो बेटा आपसे पूछ लिया भाई बताओ किसके ऊपर डिपेंड, दोनों में ही क्या है एच 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 पूछ लिया, एसएन टू फास्ट किसमें होगी बेटे, बॉन्ड यहां सी बी आर टूटना है और यहां सी सी एल बॉन्ड टूटना है, एक बात बताओ बेटा सी एफ सी सी एल समझ में आया होगा बेटे, बड़ा बॉन्ड कौन है, सी आई बॉन्ड सबसे बड़ा है तो इजिली डिसोसिएट होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आएगी, आर आई देन आर बी आर देन आर सी एल और देन आर एफ, इसको नहीं छोड़ना बेटे, ध्यान देना बेटा इस पॉइंट पे, क्लियर है ना, चाहे आपका एसएन वन हो और चाहे आपका एसएन टू हो ऑर्डर सेम रहेगा बेटे, अल्टीमेटली तो बॉन्ड यही तोड़ना है ना आपको, तो इसमें एसएन टू रिएक्शन इसमें फास्ट हो गए। क्लियर बेटा? दोनों ही प्राइमरी थे, ध्यान देना। अब मान लो बेटा आपसे पूछ लिया जाए ये भी प्राइमरी है, आप देखो ना यहां पर ये CH3 पड़ा था इस कोने में बेटा, पर अब आ गए नजदीक इस कार्बन के, तो यहां स्टीरिक
हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इस तरह बेटे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्लियर बेटे। तो ये बेटा जितना आपका बोर्ड में आना था SN1 और SN2 क्लियर हो गया है। आप इसके बेटे क्वेश्चंस करो प्रदीप से या NSET सारे जितने भी हैं, कोई भी डाउट हो मेरे को मैसेज कर देना ताकि हम क्लास में ले लें। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी बी हेल्दी, थैंक यू बेटे।